हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओहो, आज सब बच्चे आए हैं। ओह, थैंक यू तहजीबोनी, थैंक यू इनायत अल्फिया। तो ये इनायत अल्फिया की तरफ से और ये तहजीबोनी की तरफ से। नहीं, सब अपनी अपनी लेकर आए थे, लेकिन मैंने इनमें से एक एक इन दोनों को ही खिला दी। तो बच्चे आए हैं मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और आज है मेरा बर्थडे। आप लोग चाहो तो मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। कल मेरा बर्थडे। अच्छा, इन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप पर, क्या पता आप भूल जाओ। अभी हमारे बर्थडे के उसमें अपना बर्थडे इन्हें बीच में लेकर आना जरूरी है। अनी देसी बाय दो ओए अपने ये देखो, हाय करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैं सुबह बजे में उठ जाती हूँ, अपने रूटीन पे ही थी और वो हो गई। अब इधर लाओ ना, इधर तो आओ ना बेबी। ऐसे अलकुम तो कर दो ना, और नहीं तो भी आना सलाम कर दें। अरे मुँह से निकलता ही नहीं है, मुँह से निकलते वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ आओ आओ आओ, ये मेरे बच्चे आ गए। मंजन नहीं, मैंने ये डाबर लाल करा है, वो मंजन जैसा ही लगता है ना पेस्ट है, बट मुझे वो पेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से मम्मा को बहुत सारी बर्थडे की शुभकामनाएं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप लोग भी मम्मा को बर्थडे विश कर दो। अच्छा, तहजीब है उनको, तहजीब तहजीब। और उन्होंने मेरी गुड मॉर्निंग करी सुबह ही, सुबह ये आ गए थे, मैं तो सो रही थी, इन्होंने आके मुझे उठाया। और मैं उठी सुबह से। इनायत उठी भी तो थी। इनायत देखो पापा क्या कह रहे बेटा। आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम अपनी जुल्फे खोल कर आई हो। ये अपनी जुल्फे खोल कर आई है, चक्कर उठे थे तो बच्चे सुबह सुबह में आए थे। तो अभी हमारे एक और सरप्राइज़ है, पता नहीं क्या है। मैं तो आज जो है ना मामा, अच्छा मैं यहाँ बैठूँ? नहीं, वहाँ पापा बैठेंगे, वो पापा की जगह। ओ मैं बताऊँ लगती अरे आज तो सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है, और आज मौसम बहुत ही ऑसम हो रखा है। अच्छा, आज मेरा प्लान ये था कि मैं लंच में बच्चों के लिए छोले भटूरे बनाऊँगी, बट अभी मेरा प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया। मैं छोले भटूरे नहीं बना रही हूँ, अजी पापा नज़र नहीं आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा, चटनी भी हैगी, सब्जी भी हैगी। ओफो, देख लीजिए मेरे लिए नाश्ता सज रहा है। हमेशा मैं सबके लिए नाश्ता सजाती हूँ, आज मेरे लिए नाश्ता सज रहा है। अब अरे भाई साहब, क्या है ये, इतना सारा। मैं आपको दिखाऊं, सच्ची में इतनी खुश हूँ, इतनी खुशी। मुझे आसिफ जी हमेशा ऐसे ही फील कराते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। थैंक यू। फिर तुम कैसे खाओगे? ऐसे ही खाओगे? अच्छा, ये चाय के एडिक्ट नहीं है। नहीं, ये डुबो डुबो के खाते हैं चाय में ना, डुबो डुबो के खाते। एक ही कप में ना शेयरिंग कर लेना, डुबो डुबो के खा लेना समोसे समोसे समोसे। अच्छा आशी जी, ये समोसे ऐसे ही खाएंगे? ठीक है, बहुत खुश है। ये जब मम्मा का है, आपका नहीं है। आज आज आपकी बर्थडे है, कोई मम्मा की बर्थडे है। अब उनका निकल गया, ये हमारी चाय भी हमारे साहब ने बना के दिए हमें। पप्पा द पप्पा दी ग्रेट। तो जी मज़ा आ रहा है, आओ बैठो ओनी तहजीब अन्यायत, आओ बैठो, चलो सब बच्चे बैठेंगे। अच्छा जी, तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने तैयार श्यार होके। आज मैं बर्थडे गर्ल तैयार हो चुकी हूँ, और टाइम हो रहा है 12:30 का, और अब मैं अच्छे से नहा धो के तैयार हूँ,
और सुबह की फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, अल्लाह से शुक्राना अदा कर लिया था कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स दिए, इतनी केयर करने वाले भाई बहन दिए, इतना प्यार और मोहब्बत करने वाले भाई बहन दिए, और इतने प्यार करने वाला हस्बैंड दिया, और इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक तो बहुत बड़ा है। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा, ये सूट मैंने वही वाला है जो मैंने अभी तिवासी ईद पर पहना था, दो घंटे के लिए पहना था, तो प्रेस करा हुआ रखा था, मैं कहा चल आज ये पहन लेती हूँ। मैंने नया कुछ अभी नहीं लिया है, ऐसा नहीं होता कि मेरे पास मतलब पैसे नहीं है या कुछ है, बस ये कि अभी टाइम नहीं मिला, और जो मैं चीज़ सोच रही हूँ मुझे एकदम से अभी मिली नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर ले लूँगी। और आज का प्लान बस ये, मैं तो सुबह ही खुश हो गई थी, हस्बैंड ने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया था, तो एक औरत को क्या चाहिए, सुबह सुबह उसके हस्बैंड के हाथ का ब्रेकफास्ट मिल जाए, उनको पैम्पर करने का मौका मिल जाए, तो बस वही है। वैसे तो आसू जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, और उनकी तो कोई मतलब वो ही नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे रिश्ते कमाए हैं, सारे रिश्ते बांध के रखे हैं, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ। तो बस, और आज जो जैसे मैं सची हूँ ना, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो मैं इसी तरीके से रोज़ सोचती थी ये वाले इयररिंग्स जो है ना, ये मैं हमेशा पहना करती थी, क्योंकि ये मम्मा ने मुझे दिए थे शादी पे सेट के साथ पे, तो मैं ये इयररिंग्स पहन के रखती थी और ऐसे ही तैयार होती। हाँ, पहले नई नई शादी में मैं परांदा बांधा करती थी, तो मुझे नहीं आता था बांधना, तो वो आसिफ जी ही बांधते थे मेरे, क्योंकि मुझे परांदा बांधना नहीं आता, कैसे बांधते कैसे नहीं बांधते। और आसिफ जी को मेरे ऊपर रेड कलर बहुत पसंद है, आसिफ जी कहते हैं तुम रेड कलर में बहुत अच्छी लगती हो, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलते, कम बोलते हैं। अच्छा, कैमरे पे तो वो फिर भी बोल देते, ऑफ कैमरा जो होता है ना, वो आसिफ जी बहुत कम बोलते हैं, मैं ही हर टाइम बटर 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 करती रहती हूँ। तो जी, दिन बहुत अच्छा जा रहा है, दिल बहुत खुश है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छी नियामतों से हमें बख्शा है, नवाजा है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं उस मालिक का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास आया था, मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, पता नहीं किसका था, मैं नाम भूल रही हूँ। उन्होंने बोला था कि आपकी एक कुर्बानी करने पर आप इतनी खुश हो रही हैं, हिस्सा डाला आपने, इतनी खुश हो रही हैं, हमारे हस्बैंड तो पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ करते हैं और बकरे लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे घर के अंदर बकरों की कुर्बानी होती है, हिस्सा भी डलता है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि क्यों इतनी गंदगी हो जाती है, क्यों करते हो। लेकिन जब मैंने आपको देखा ना, तो आपसे ये फील हुआ कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हो, तो अभी मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं भी आज से अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इस काबिल तो बनाया, लोग बाग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं। हाँ जी डियर, मैं बहुत छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ, बहुत छोटी छोटी, मेरे घर के अंदर एक नया, मैं क्या बताऊँ आपको, एक चम्मच भी नया आएगा ना, तो मैं उसमें भी बहुत खुश हो जाती हूँ, और वो भी मुझे बहुत पसंद आता है, मेहनत से होता है, और बहुत मेहनत से, ऐसा नहीं है कि मुझे दहेज नहीं मिला, बहुत ज़्यादा दहेज मिला है, सब कुछ है, लेकिन हमने फिर से सब कुछ चीज़ें बनाई, तो उसकी खुशी एक अलग है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, बट मैं इतना ज़्यादा बरतना मेरे नसीब में नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने बोला और माँ बाप ने बोला, हिम्मत रखो और सब्र करो, सब्र के साथ सब हो जाते हैं। तो जी हाँ, मैंने सब्र बहुत करा, और सब्र का सिला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें मुझे चाहिए वो मेरे पास आएंगी। हाँ जी, तो सब्र बहुत सब्र करती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई वो कमेंट पढ़ के, और बहुत ज़्यादा ना मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि, और बहुत से लोग कहते हैं अभी आप हमारी इंस्पिरेशन हो, तो गाइस मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मेरे को इतना कुछ आता भी नहीं है, लेकिन जब आप लोग बोलते हो ना कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो या आपसे हम ये सीखते हैं, जैसे कल एक कमेंट आया, ये उनका भी नाम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा नहीं है लेकिन आपसे मुझे वो मॉम वाली फीलिंग आती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में उन्होंने सॉरी भी लिखा कि अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को छोटी बता रही हूँ और आपको बहुत एजेड बता रही हूँ, बट ये है कि एक रिस्पेक्टफुल है। तो मैं अपनी मम्मा को सुना रही थी, ज़्यादातर कमेंट्स जब होता है तो मैं मम्मा को ज़रूर सुना, जब उनकी तबीयत ख़राब होती ना तो उनका मन करता है कि वो बात करें कुछ करें, तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, उनको कमेंट सुना रही थी, तो मम्मा कहेंगे अच्छा ऐसा भी लोग होते हैं, उनसे कहना कि नहीं आपकी मम्मा एक इधर भी आएंगी, मेरी मम्मा भी आप सबकी मम्मा है सब, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएँ दी मम्मा की तबीयत को लेकर। हाँ, अभी वो ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी बीमार चल रही हैं, लेकिन हाँ अल्लाह से दुआ है, और हम डॉक्टर्स भी अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं और अच्छी जगह दिखाएं, क्योंकि अपोलो में अभी हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है मम्मा को, और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो कोई नहीं, आप सब दुआ करते रहिएगा, मम्मा भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी, और आप लोग बहुत प्यारे हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं इस लायक नहीं थी जितना आप लोग मुझे प्यार करते हो, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू, है ना आपको मम्मा को, क्या 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 क्या
टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, अभी से अल्लाह हाफिज। तो देखते हैं आज शाम को क्या करते हैं। तो अभी शाम अभी बाकी है, अभी देखते हैं शाम को क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है और बस ऐसे ही अल्लाह पाक हर दिन ऐसे ही बीते, अच्छे बीते, बहुत बढ़िया बीते। और एक बार थैंक यू आप लोगों का, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो अपनी अपनी को, शायद आपकी अपनी इस लायक भी नहीं है जितना मुझे प्यार दिया जाता है, क्योंकि उसको फरकते मैं करती हूँ लेकिन उसमें भी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। तो बस आप लोग बहुत अच्छे हो इसलिए आपको आपकी अपनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और हमसे प्यार लेते रहिएगा। मैं मिलूंगी थोड़ी सी देर बाद, अभी कुछ अगर और कुछ होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और कल आज है 17 जुलाई और कल है 18 जुलाई। तो कल मैं सेकंड टाइम मम्मा भी बनी थी, तो कल इनायत का बर्थडे है, तो इनायत के लिए क्या करते हैं वो भी देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं, क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है। कल है मंडे, ये व्लॉग मैं आप लोगों को कल सुबह ही पहुंचाऊंगी, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि ये व्लॉग ज़्यादा लेट ना हो, वरना मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप बहुत सारा प्यार देते, तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। तो जी आप लोगों को पता है हम कहाँ आ चुके हैं, तो बस प्लान ये था कि चलो जी बच्चों को लेके चलते हैं मॉल, थोड़ा सा घुमा शुमा के लेकर आते हैं, कुछ खाना पीना खिला के लेकर आते हैं। और यहाँ पर इनायत और अल्फिया बहुत खुश हैं, मैंने बोला आज बहुत रश है क्योंकि संडे का दिन था। तो इनायत कहती है नहीं मम्मा, इन सबको पता चल गया होगा कि अपना आशियाना की ना यूट्यूबर आई हैं, इस वजह से इतना रश है। मैंने कहा है मेरा बच्चा कितना प्यारा बोलता है। तो आज यहाँ जाने का एक मकसद और था, क्योंकि इनायत का बर्थडे है कल यानी कि 18 जुलाई को, तो मुझे उसको उसने बोला था मम्मा हमें आउटिंग पर जाएँगे, तो मुझे मंडे को है कुछ काम ज़रा सा, मम्मी को लेकर जाना है थोड़ा डॉक्टर वगैरह के पास, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती थी। तो मैंने सोचा चलो आज ही अपने बर्थडे वाले दिन मेरा भी थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाएगा और बच्चों का भी हो जाएगा। तो बच्चों की खुशी के ठिकाने नहीं थे और मिनाज तो मेरा बच्चा है ही, उसके बिना मैं कैसे सोच सकती हूँ आउटिंग पे जाने के लिए। मुझे या तो मिनाज या फिर आसिफ जी, इन दोनों के साथ बहुत कम्फर्टेबल लगता है। और इनायत मेरी ज़िंदगी में हमेशा कहती हूँ मैं बाद में आई है, मिनाज मेरी लाइफ में पहले आई थी। अनु मिनाज मेरे दो अनमोल रतन हैं जैसे अल्फिया और इनायत है। तो बस यहाँ पर मिनाज कर रही है हमारे लिए ऑर्डर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमने मंगवाई थी कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और ये मैक पफ। ये मैक पफ मुझे और मिनाज को बहुत पसंद है, बर्गर से भी ज़्यादा यम्मी यम्मी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने अल्फिया को थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ दे दिए थे, थोड़े बबी रख रखे थे, मैंने कहा एक साथ कहीं गिर ना जाए तो आप थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना, और कोल्ड कॉफ़ी। और आज हमें यहाँ पर मिल्क शेक मिल गया था कोल्ड ड्रिंक की जगह, तो यहाँ पर ये बच्चों ने मिल्क शेक भी इंजॉय करा था। टेट्रा पैक वाला था वो मिल्क शेक, ये रखा हुआ, तो ये मिल्क शेक मिला था तो ये भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था, मैंने कहा आप लोग खा पी लो। तो बस बच्चों ने खाया पिया था, बहुत इंजॉय करा था। और पिक्चर अभी बाकी है, अभी जाइएगा नहीं, यहाँ पर भी बच्चों की एक पिक आ गई है, आप वेट कीजिए। तो जी जैसे कि हमने आपको बताया था कि पिक्चर अभी बाकी है, तो यहाँ पर मैं बच्चों को करा रही थी राइड्स बटर बीन पे, और यहाँ पर बच्चे बहुत खुश थे। और एक पेरेंट्स को क्या चाहिए, चाहे मेरा बर्थडे हो चाहे बच्चों का बर्थडे हो, बस उनके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों के फेस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे, बहुत स्माइल थी, बहुत खुश थे। और उनके साथ मैं और मिनाज भी बहुत खुश थे, और साइड में हम लोग भी ये जितना झूले पे बैठ के मज़े ले रहे थे ना राइड्स के, और हम और मिनाज वहाँ सामने खड़े होकर देखे। तो मिनाज कहती अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, इनको खुश देख के। मैंने कहा हाँ मिनाज, सारी थकान सारी चीज़ें ना सब दूर हो जाती हैं जब बच्चे खुश होते हैं ना, बच्चे ठीक होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सभी के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला सभी के बच्चों को नेक बनाए, खुशियाँ दे, माँ बाप की कलेजे की ठंडक बना के रखे, आमीन और सुम आमीन। और अल्लाह ताला मेरे मौला जिनकी औलादे नहीं है तो प्लीज़ उनको तो औलाद की खुशी भी अता फरमा दे। तो भाई सब कुछ हो चुका है, राइड्स हो चुकी है, मैकडी मील हो चुका है, बनती है आइसक्रीम। तो जी आइसक्रीम कैसे भूल जाएंगे, तो आज हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने और इनायत ने लिया था कॉर्नेटो कोन, और मिनाज ने लिया था कुल्फ़ी।
पिस्ता कुल्फी। तो अब बारी आ जाती है मेरी सरप्राइज़ की। तो जी यहाँ पर केक वाले भैया जो हैं, आप सब जानते हो केक कौन लेकर आता है हमारे घर में मोस्टली। तो जी हाँ जी, केक लेकर आए थे आसिफ जी। तो बस, और उन्होंने कहा कि मम्मी पापा के साथ काटेंगे। अच्छा, हमारे बचपन में पापा ने कभी कटवाया होगा केक हम लोगों को? हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, बाकी उसके बाद जब हम बड़े हुए तो कभी नहीं कटवाया, और इतना कटता भी नहीं था। ये तो अब ट्रेंड में आ गया है तो इसलिए ज़्यादा होने लग गया है। तो आज पापा जी आसू जी कहते, पापा जी आप कटवाओ रानी का केक। तो पापा कहते नहीं नहीं, तुम खड़े हो जाए। कहते नहीं पापा जी आप कटवाओ। तो मैं यहाँ पर माचिस जाने की कोशिश कर रही थी, मोमबत्ती। अच्छा, आसू जी लेकर आए मेरे लिए 7 ईयर्स की। तो मैंने कहा अच्छा आसू जी आप एक और ले आते 1 की, तो मैं 17 की लगा लेती थी। कहते नहीं, उसको पीछे लगा देते हो, हम 71 भी मान सकते थे। तो तुम 71 साल की हो गई है, पीछे 2 0 लगा लो। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो। और यहाँ पर मम्मा पापा ने कटवाया है अपनी छोटी सी बेबी का केक। ये देख लो बेबी कितना बड़ा है उनका। अरे भाई, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह मेरी मम्मा को बहुत जल्दी से अच्छा कर दे। वो हमारे साथ ऐसे ही बैठी रहें, खुशियों में शामिल होते। देखो जी, माँ बाप के बिना खुशियाँ कुछ भी नहीं होती हैं। तो बस मेरे पेरेंट्स को अल्लाह ताला सलामत रखे, मेरे क्या सभी के पेरेंट्स को सलामत रखे। और ये केक लेकर आए थे आसिफ जी। अच्छा, मेनाज ने ऑर्डर दिया था जिस बंदे को, वो बंदा जो है वो केक लेके नहीं आ पाया था। और हाँ, अब आप लोग कहोगे अनु तहजीब को क्यों नहीं लेके गए? तो भैया जो हैं वो बैंगलोर से आ चुके हैं, अब वो उधर में ही हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया था बच्चों के साथ जाने के लिए बाहर घूमने का। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने बच्चों को घुमाने लेके जाओ, चलो मैं इनायत और अल्फिया को ले जाती हूँ। इस वजह से ओनू और तहजीब मेरे साथ नहीं गए थे, वरना उनको भी मैं मैगडी लेके जाती अपने साथ घुमाने के लिए। बट मैंने आके देखा तो भैया अपने ऑफिस के काम से जा चुके थे, वो दोनों बच्चे रह गए। तो भी मैं उनके लिए मैगडी से खाने के लिए लेकर आई थी बर्गर्स और चिप्स, बच्चे यही सब खाते हैं। तो मैंने प्रॉमिस कराया कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, अगर भैया मुझे पहले बता देते तो मैं ज़रूर आप लोगों को लेके जाती। मुझे लगा आप लोग पापा के साथ एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर अब मैं खिला रही थी सबको केक और बच्चों को भी। और बस आप लोग भी आ जाइए, केक बहुत यम था, यमी यमी सा था। और सबको थैंक यू सो मच एक बार फिर से, मेरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया है, उन सब के लिए। बच्चे जो है ना, बच्चा पार्टी ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, मेरे हस्बैंड ने। और मम्मा और भैया तो पता है घर पे ही आ गए थे मुझे बर्थडे विश करने के लिए, और मम्मा ने दिया है मुझे बहुत प्यारा सा एक सूट। तो जी जो फाइनली हो चुका है मेरा बर्थडे पूरा ऑफ, और बहुत ज़्यादा मस्ती करी आज, बहुत अच्छा बर्थडे गुजरा मेरा। और थैंक यू सो मच मम्मी पापा आसिफ जी, बच्चे अनु मनाज भैया बुलबुल, सब ने बहुत स्पेशल फील कराया। तहजीब ओनू, सब ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया, थैंक यू सो मच। और मेरे बच्चे तो पूछो ही मत, उन्होंने भी मुझे बहुत स्पेशल फील कराया है। और बस आप सबकी ऐसी दुआएं चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ बहुत ढेर सारा वाला लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ और बोला भी नहीं जा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया, नगमा बुलबुल शबाबा जी और मेरी फ्रेंड सलमा, थैंक यू सो मच डियर। इतने सारे लोगों ने मुझे गुड विशेज दी, बबली बाजी आप लोगों का भी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।